जहां जरूरत पड़े, जिस तरह जरूरत पड़े, उस तरह हम लोगों को खड़े होना चाहिए, साथ देना चाहिए। अध्यक्ष जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के बहुत सारे काम हम लोग देखते रहते हैं। हो सकता है हम लोग कई जगह नहीं जा पाते कि बहुत सारे बंदरों बंधे रहते हैं राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ, मगर फिर भी हम लोग रुकते नहीं है भाई। जरूरत के नजदीक हम लोग प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, हम लोग पूरी मदद करें भाई। दिग्विजय भाई सब जनसत्ता पार्टी के नेता है, तो क्या छत्रियों की मदद करना बंद कर देंगे? सब लोगों को मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी और बनता है, यहां पर बात करेंगे बताएंगे, मगर मैं जरूर जानता हूं और मैं सबसे निवेदन फिर करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जो हम लोगों को जिस घर में पैदा हुए, जिस स्कूल में पैदा हुए हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग छत्तीस धर्म में जन्म लिया है, किसी ने ब्राह्मण धर्म में जन्म लिया है, किसी ने यादव धर्म में जन्म लिया है, जहां भी जन्म लिया है, हम लोग बड़े सौभाग्य की बात है जिस घर में पैदा हुए, जिस स्कूल में पैदा हुए, अपने उस स्कूल की रक्षा करें। और जहां जरूरत पड़ती है किसी की, समाज में किसी जरूरत पड़ती है, उस समाज का आप वहां पर उसकी मदद करें। समाज के लिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग इसी तरह ये चुप होइए और अपने समाज के लिए कुछ करके दिखाइए। धन्यवाद। समाज को एक मैसेज देने का काम किया गया है कि यहाँ के जो समाज के दबे पिछड़े लोग हैं, जिसको न्याय नहीं मिल पाता है, जो ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो नहीं सामने आ पाते हैं। उन्नाव जनपद का अगर देखते हैं, उन्नाव जनपद का इतिहास तो ऐसा रहा है कि छत्रियों का नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो अजीत सिंह हो, चाहे वो कुलदीप सिंह हो। तो इस अब ऐसे जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, समाज जुड़ेगा नहीं, तब तक हम लोग शायद समाज की बात नहीं रख पाएंगे। और उन्नाव में यही उद्देश्य था कि यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया कि समाज को सब जोड़े और एक दूसरे जहाँ जरूरत पड़ती है मदद करें। आपने एक बात कही कि छत्रियों मिटाने का कार्य किया जाए, उनके अस्तित्व मिटाने का कार्य किया जाए, चाहे कुलदीप सेंगर रहे हो या अजीत सिंह रहे हो। अजीत सिंह इस दुनिया में नहीं, बल्कि कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है, तो उनको जेल पहुंचाने में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या आपकी पार्टियों का भी उसमें योगदान रहा है। तो फिर कैसे कह सकते हैं आपके नहीं कि उनको मिटाने का अस्तित्व किया गया? पार्टी किसी ने मिटाने का काम नहीं किया, पार्टी नहीं मिटाती, लोग मिटाते। उन्नाव के लोगों ने दोनों का अस्तित्व खराब किया, चाहे अजीत सिंह, चाहे दुर्भाग्यवश जेल में है और अजीत सिंह यहाँ जेल में है। तो सब लोग आप बेशक हमसे सवाल करें आप, मगर जनता सब जानती है, आप सब लोग जानते हैं कि किन कारणों से और किन की वजह से किस तरह कुल मिलाकर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी की बलि चढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, जो आज कर रहे हैं छत्रियों का यहाँ पर, क्योंकि छत्री एक ऐसा समाज है कि छत्री मतलब एक छत्री के नीचे सभी वो है छत्री। हम लोग छत्री होके भी अलग अलग बिखरे पड़े हैं। तो यहाँ पर जो मीटिंग रखने का कार्यक्रम रखने का उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को एक छतरी के नीचे लाया जाए और उनसे जो जरूरत पड़ती जहाँ लगता है उनसे उस तरह से काम लिया जाए।